मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां मुझे डांस विरासत में मुझे मिली। जबकि मेरे जो फादर थे वो ऐसा नहीं था कि मैंने बचपन से डांस कर रहे थे। वो शुरू में उनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग में हुई और आईआईटी रांची से वो पढ़े, आगे बढ़े। और अचानक पता नहीं उनको शायद उन्होंने कहीं, जैसे होता है ना बंगाली में, आपको पता है कि बंगाली कल्चर में म्यूजिक तो सब गाते ही हैं। कोई गाएगा, कोई हारमोनियम बजाते, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, आर्ट में कहीं ना कहीं बंगालीज आप जुड़े हुए मिलेंगे। तो दुर्गा पूजा के किसी फंक्शन में कभी वो डांस कर रहे होंगे तो नजर पड़ी उनके ऊपर सितारा देवी जी के फादर की, सुखदेव महाराज जी की। जी, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इस बच्चे में कुछ डांस की अलग बात नजर आती है, तो डांस सीखना चाहिए। तो उनका जो सफर शुरू हुआ वो बनारस घराने से शुरू हुआ। फिर सितारा देवी जी के पास कई सालों उन्होंने सीखा। उसके बाद फिर वो लच्छू महाराज जी के पास बंबई में उन्होंने कई साल सीखा, शंभू महाराज जी के पास सीखा। और उनका लास्ट का एक बहुत लंबा सफर पंडित बिरजू महाराज जी के पास रहा। और तो वहां से उनकी डांस की शुरुआत हुई। और मेरी मम्मी भी उनकी पैदाइश जमशेदपुर झारखंड में हुई, तो उनके घर में भी गाना बजाना ये सब ऐसे था, मैंने घरेलू गाना वाना। और फिर वो भी थिएटर वगैरह बचपन से करती थी। तो इस तरह से उनकी जर्नी आर्ट में ऐसे शुरू हुई। तो पापा हमारे बिल्कुल कथक में, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया। हमारी मम्मी ने भी कथक में, थिएटर में अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरी बड़ी बहन नुपुर शंकर जब पैदा हुई तो वो भी बचपन से, उनको उनके अंदर भी थिएटर का एक वो था। इनफैक्ट मेरी बहन का नाम और मेरा नाम, हम दोनों का नामकरण हमारे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी ने किया है। दीदी का नाम नूपुर और मेरा नाम महुआ। तो वो भी पढ़ंत वढ़ंत करती थी बचपन से, पापा के साथ मम्मी के साथ बैलेज में जाना, रिहर्सल्स में जाकर देखना और पीछे पीछे पढ़ंत करना। तो ऐसे आर्ट हमारे अंदर बचपन से कब आ गया। मैं भी इसी तरह से पैदा होने के बाद जब जब समझने लगी, जब सुनने लगी, जब देखने लगी, तो मैंने आर्ट को ही देखा, डांस ही देखा, म्यूजिक ही सुना। तो इस तरह से आर्ट हमको विरासत में मिली। तो मैं बहुत ब्लेस्ड अपने आप को फील करती हूँ कि 3 साल की उम्र में मैंने थोड़ा थोड़ा डांस करना शुरू कर दिया। और 5 साल की उम्र से मेरी बकायदा गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मेरी मदर से, श्रीमती रेखा शंकर जी से, मेरी तालीम शुरू हुई कथक में। पता नहीं इसको गॉड गिफ्ट कहेंगे या इसको वाकई विरासत में मिलना भी गॉड गिफ्टेड ही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे पास आते हैं जो वाकई एक बच्ची मेरे पास आई करीब 3-4 साल पहले। तो वो, उसकी उम्र तब मेरे ख्याल से 2.5 या 3 साल थी। वो पहले अपनी बड़ी बहन के साथ, उसकी बड़ी बहन डांस सीखती थी और वो सिर्फ बैठ के ऐसे कभी तत्कार मार रही है, कभी हाथ मार रही है, कभी कुछ, तो उसकी माँ उसको बिठा देती थी, अरे बैठ जाओ, तुम डिस्टर्ब कर रही हो। तो मैंने उनको कहा नहीं, उसको करने दीजिए, वो आज खेल खेल में उसको कर रही है, कल ये खेल ही उसके लिए एक तालीम का हिस्सा शुरू हो जाएगा। और वाकई ऐसा हुआ। जैसे जैसे वो 4 साल की, 4.5 साल की हुई, यू विल नॉट बिलीव, उसने प्रॉपरली तत्कार, अपनी बहन से ज्यादा सही तत्कार, अपनी बहन से ज्यादा सही मूवमेंट्स वो करती थी। तो मेरे ख्याल से, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए यूजुअली मैं यही कहती हूँ कि भाई 5 साल के बाद उस सिखाए तो वो उसके सीरियसनेस को समझेगी। लेकिन फिर भी अभी 2 दिन पहले मेरी सिस्टर के पास एक कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि हमने महुआ जी का एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने उसमें जिक्र किया कि 3 साल की उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया। मेरी बिटिया 2.5 साल की है, तो मेरी बेटी शुरू कर सकती है? तो मेरी बहन ने कहा अभी वो थोड़ी छोटी है। तब उन्होंने ये बात कही। मैंने महुआ जी का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था 3 साल की उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया था, जब वो कर सकती है तो मेरी बिटिया क्यों नहीं। तो फिर वाकई बोलने को कुछ नहीं रहा, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप लेके आइए और हम शुरू करते हैं। ये
ये बात बड़ी अच्छी रही मेरे घर में कि मेरी माँ ने जब मुझे सिखाना शुरू किया तो एक माँ की ममता को बीच में नहीं रखा उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर सीख रहे हो तो गुरु शिष्य परंपरा को समझ के सीखो। ऐसा नहीं कि मैं मम्मी और मम्मी आज मैं क्लास नहीं करूंगी कल करूंगी, होता है बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन शुरू से हमारे जहन में ये डाल दिया गया कि नहीं, ये गुरु शिष्य परंपरा को तुम्हें समझना जरूरी है कि जब मैं तुम्हारी माँ हूं तब मैं माँ हूं, और जब मैं तुम्हारी गुरु हूं तो उस सीरियसनेस को तुम्हें समझना है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि जब मैं रेबा दीदी के पास गई तो रेबा दीदी भी माँ जैसी थी, क्योंकि वो मुझे याद है शिवेंद्र भाई, मैं बहुत छोटी थी, मेरी बहन गोद में करके मुझे ले जाती थी। रेबा दीदी तब यही लक्ष्मी नगर में रहती थी, और आशीष भैया को हमने उस वक्त एनएसडी के दौरान उनकी प्रैक्टिसेस करते हुए हमने देखा है, वो जॉगिंग कर रहे हैं आवाज निकालते हुए, जैसे एनएसडी थिएटर आर्टिस्टों को कराया जाता है। तो वो आशीष भैया की, आशीष विद्यार्थी जी की जर्नी को हमने देखा है। तो मुझे याद है कि रेबा दीदी के को बहुत शौक था खाना बनाने का और खिलाने का। तो वो मुझे कहती थी आज तुम ठीक से तत्कार करोगी ना तो मैं तुम्हारे को अच्छी चीज बना के खिलाऊंगी। और वो साउथ इंडियन बहुत अच्छा बनाती थी, कभी उपमा बना रही है, कभी वो डोसा बना के खिला रही है, कभी, क्योंकि उनके हस्बैंड तो साउथ इंडियन थे गोविंदा। तो मैं करती थी तत्कार वगैरह करती थी, तो वो उसके बाद मुझे वो कुछ बना के वो मुझे खिलाती थी। बट मैंने तब देखा कि वो जिस वक्त वो सिखाती थी ना, उनका एक ऑरा ऐसा था कि पता लगता था कि ये गुरु हैं, ये मम्मी भी गुरु हैं लेकिन ये गुरु हैं। तो वो अपने आप चेंज हो जाता है, अपने आप धीरे धीरे ना, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चेंजेस समझ आते हैं। आप जैसे गुरुओं के पास जाते हो, और जो नींव उन्होंने हमारी रखी है ना, मम्मी के पास तत्काल मूवमेंट्स चक्कर, और बड़ी उम्र तक भी मम्मी ने रियाज करवाया है, और गुरुओं के पास सीखने के बावजूद भी मेरी माँ मुझे रियाज करवाती थी। लेकिन रेबा दीदी की जो खासियत थी, ठाट, जो विलंबित लय की जो खूबसूरती है, और तब बहुत कम मेरी उम्र थी, इतना ठाट को समझने के लिए, विलंबित लय को समझने के लिए अच्छी उम्र चाहिए। कई बार तो कहा जाता है कि लखनऊ घराने की जो जो विलंबित का जो हिस्सा है वो बहुत मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि है बहुत स्लो लेकिन जो बारीकियां हैं उसमें, उसको शरीर से निकालते निकालते ही एक अरसा निकल जाता है, जन्मों निकल जाता है। तो वो जो हमने देख के उस वक्त उनसे सीखा, जिस तरह से उनका झुकाव, उनकी उनका सिर्फ नजर उठा के देखना, कसक मसक, तो ये चीजें जो, ये डिसिप्लिन जो है ना, ये हमने रेवा दीदी के पास सीखा। फिर भाषुती दीदी के पास में गई तो वहां उनके पास उनका तरीका सीखा। और हर हर जर्नी, हर गुरु के साथ मेरी जर्नी बड़ी बहुत डिसिप्लिन में रही, साथ साथ इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत इमोशनल एक जर्नी रही है। अदरवाइज सारे हमारे वीडियो क्लिप्स यूट्यूब में हम अपलोड कर देते हैं, पर ये पता नहीं क्यों कैसे सेव्ड रहा हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में। इस प्रोग्राम में अक्रम भाई हमेशा मेरे साथ रहते हैं, अक्रम भाई, मुराद जी, फतेह जी, शोहेब, मेरी बहन नुपुर, वो लोग तो थे ही थे। साथ में सारे गुणीजन सामने बैठ के मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, जिनमें एक मेरे उस्ताद उस्ताद गुलाम साबिर खा साहब वो सामने थे। और ये मेरा आखिरी डांस मैं कहूंगी उनके सामने रहा, जो कि स्टेज में था, इसलिए बहुत स्पेशल है। राजू भैया, राजेंद्र गंगानी जी सामने थे, प्रेरणा शिमाली जी सामने थी, गीता आंटी सामने थी, गीतांजलि लाल जी, मेरी मदर सामने थी, और कई ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग, म्यूजिशियंस में भी आप कह लीजिए या डांसर्स में भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सामने से देखा और बहुत दुआएं और बहुत आशीर्वाद दिया। तो वो मैं जरूर चाहूंगी कि आप उसको शेयर करें, और मेरी तरफ से मैं आज के डेट में इस इंटरव्यू के जरिए ये क्लिप मैं अपने गुरु को उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब जी को समर्पित करती हूँ। ना ना दिल ना।
Thank you.
Thank you.
टाइम बहुत कम है, इसलिए कुछ बहुत ही कम, इसलिए कट शॉर्ट करके दो तीन चीजें और फिर मिल देना था हजे नाना देना
कैसे एक दूसरे के पास आते हैं, पांच की गिनती में देखिए। Il te va.